जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान का स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी एक बार फिर चोटिल हो गया है। पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 तो गवाया ही, लेकिन इसके साथ साथ उसे एक बड़ा झटका भी लगा है। खबरों के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप फाइनल में चोटिल होने वाले शाहीन अफरीदी की चोट गंभीर है और अब वह कई महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। शाहीन अफरीदी एक कैच पकड़ने के दौरान अपना घुटना चोटिल करा बैठे थे, जिसकी वजह से वो फाइनल में अपने कोटे के 4 ओवर भी पूरे नहीं फेंक सके थे। इसका नुकसान पाकिस्तान टीम को हुआ और उसने फाइनल मैच गवा दिया। शाहीन अफरीदी तकरीबन 3.5 महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और उनका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होना तय है। बता दें कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर दिसंबर और जनवरी में टेस्ट सीरीज खेलेगी। देखिए, शाहीन अफरीदी को दूसरी बार घुटने में चोट लगी है। शाहीन इसी साल जुलाई में गाल टेस्ट के दौरान घुटने में चोट खा बैठे थे, जिसके बाद वह T20 वर्ल्ड कप 2022 से कुछ दिन पहले ही ठीक होकर टूर्नामेंट के लिए उभरे थे और फिर टूर्नामेंट के आखिरी मैच में वो फिर चोटिल हो गए हैं। शाहीन अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और शाहीन ने टूर्नामेंट में 11 विकेट अपने नाम किए थे और बांग्लादेश के खिलाफ 22 रन देकर 4 विकेट भी उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है शाहीन अफरीदी कितने जल्दी फिट होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।